जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आरआरबी जूनियर इंजीनियर का आपको पता है कि अभी आरआरबी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आज फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में आपका पेपर किस टाइप का आया है, कैसे आपको आने वाले जो आपके शिफ्ट हैं कैसे आपको अपनी तैयारी करनी है, क्या क्या टॉपिक आपको लास्ट टाइम में पढ़ के जाना है और आपके लिए सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, हर एक चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपके रेंडमली मतलब टेक्निकल अलग आया था, नॉन टेक्निकल आया था, ऐसा पेपर आया था या टेक्निकल नॉन टेक्निकल एक साथ आए थे, तो सब कुछ बताने वाला हूँ। पहले दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने पेपर दिया है तो मैंने उनसे पूछा है, तो उन लोग का जो पेपर आया है जैसे कि मान लीजिए 150 नंबर का आया है, ठीक है, तो 150 में ऐसा नहीं है, 150 में आपका 100 नंबर टेक्निकल आया है, 50 नंबर आपका नॉन टेक्निकल आया है, लेकिन ऐसा नहीं आया कि 50 नंबर का पहले नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन थे और 100 नंबर के टेक्निकल के क्वेश्चन थे, ऐसा नहीं आया। मतलब आया क्या है, रेंडमली आया है। रेंडमली कैसे दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, जैसे कि पहला आपका मान लीजिए जीके से आया है तो दूसरा आपका एनवायरमेंटल से आ गया है, ठीक है, तीसरा आपका टेक्निकल से आ गया है, चौथा आपका टेक्निकल से आया है, पांचवा आपका दोस्तों आप समझ लीजिए कि आपका फिजिक्स से आ गया है, छठा आपका टेक्निकल से आ गया है, मतलब कि रेंडमली पेपर आपका आया है 150। तो इसमें दोस्तों थोड़ा आपको जज करना पॉसिबल इम्पॉसिबल हो जाता है, जैसे कि जिनका भी इलेक्ट्रिकल का होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होगा, कंप्यूटर साइंस का होगा, तो उनको थोड़ा जज करना प्रॉब्लम हो जाएगा। होगा क्या, क्योंकि कंप्यूटर साइंस का कंप्यूटर भी आएगा, कंप्यूटर भी 10 नंबर का आएगा और प्लस उनका नॉन टेक्निकल का टेक्निकल का कंप्यूटर भी आएगा, तो इससे थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकती है जज करना कि ये कंप्यूटर से आया है कि नॉन, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या है कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी में आपका फिजिक्स से भी आता है, तो थोड़ा मतलब क्या है आपके जो पेपर का लेवल है दोस्तों वो मॉडरेट मॉडरेट आ रहा है, इजी टू मॉडरेट आ रहा है। जो टेक्निकल के क्वेश्चन दोस्तों आ रहे हैं बहुत ही इजी आ रहे हैं, समझ लीजिए कि अगर आपने बेसिक कर रखा है, ठीक है, बहुत लोग क्या है कि दोस्तों गेट लेवल है, जैसे गेट लेवल के बुक हैं उन्होंने उनसे किया है और कुछ से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल बहुत टफ टफ आ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं टेक्निकल के, तो अगर आपके अलग अगर आपके एग्जाम बचे हैं तो आप टेक्निकल बिल्कुल बेसिक जस्ट फॉर्मूला बेस्ड जस्ट हल्का सा थ्योरी पार्ट करके जाएं। कुछ कुछ पर्टिकुलर टॉपिक हैं आपके बेसिक बेसिक जो बेसिक जैसे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं या इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो बिल्कुल बेसिक को अच्छे से करके जाओ, ठीक है, जो आपके फर्स्ट ईयर में थे ग्रेजुएट, आपके बीटेक लेवल में फर्स्ट ईयर थे तो आप वहाँ से अपना तैयारी कर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आपको अपना सेफ स्कोर क्या करना है। दोस्तों मैं आपको सिंपल सी बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास टाइम है तो 150 क्वेश्चन में 50 नंबर का जो दोस्तों नॉन टेक्निकल का आ रहा है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है, ये बात ध्यान रखिएगा। यहाँ से दोस्तों अगर आपने कम से कम 40 नंबर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि नॉन टेक्निकल आप कम से कम अगर 60-70 नंबर भी अगर स्कोर करते हैं तो आप एक सेफेस्ट स्कोर में हो सकते हैं, ठीक है। तो नॉन टेक्निकल के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जिन्होंने जिन्होंने मेरी बुक खरीदी है, ठीक है, जिन्होंने टेलीग्राम, और अगर आप टेलीग्राम से जुड़े हैं तो टेलीग्राम में जरूर जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और पेपर अगर है तो दोस्तों मैं वहां आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, मेरे को पर्सनली मैसेज कर देना, मैं आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा वहाँ जो जो इंपॉर्टेंट पेपर है, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात है जो हमारी बुक है दोस्तों 50 नंबर की नॉन टेक्निकल कि जो बुक है उससे काफ़ी क्वेश्चन आए हैं, कंप्यूटर एनवायरमेंटल के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, ठीक है, अगर आपने वो बाई की है तो उसको अच्छे से करके जाना, वहाँ से क्वेश्चन आपको काफ़ी मिलेंगे, ठीक है। अब आपके लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है दोस्तों, सेफ स्कोर आपके लिए इतना हो सकता है कि मोस्टली लोगों ने क्या है दोस्तों 110 से लेकर 120 अटैम्प्ट करके आए हैं, ठीक है, 110 से लेकर 120 अटैम्प्ट करके आए हैं, मतलब कि अगर अगर मान लो 85% एक्यूरेसी है तो मतलब आप सेफ स्कोर में हैं, ठीक है, 110 से लेकर 120 तक अटेम्प्ट करना है। और ऐसा नहीं कि अगर आपके दोस्तों 100 नंबर भी बन रहे हैं लेकिन अगर आप 90% एक्यूरेसी से कर रहे हैं तब भी आपके चांसेस हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि लोग 120 या 130 करके आ रहे हैं, तो आप भी निगेटिव से बचना है दोस्तों, ध्यान रखना निगेटिव से बचना है, क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ना है, मतलब कि आपको अच्छे से ध्यान देकर उसको करना है, क्योंकि आपके बिल्कुल बेसिक लेवल है तो आप ऐसा नहीं कि उसमें धोखा खा जाए, ठीक है, बेसिक क्लियर हो जाएंगे तो आपके क्वेश्चन जरूर बनेंगे। अब हमारे लिए सेफ स्कोर क्या हो सकता है, एक्सपेक्टेड आपके कट ऑफ कितना हो सकता है, तो एक्सपेक्टेड दोस्तों आपके कट ऑफ जो हो सकता है उसको हम देखते हैं। तो एक्सपेक्टेड अगर आप जनरल से हैं दोस्तों
और अगर आप 95 से लेकर अगर आपके 100 आ रहे हैं तो दोस्तों आप कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन होने के 100% चांसेस हैं, ओबीसी के हैं। और अगर आपके दोस्तों 90 से लेकर 95 तक आ रहे हैं तो आपके चांसेस हैं। एससी से हैं अगर आपके तो 85 से लेके 90 तक आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। और एसटी से हैं और अगर आपके 80 से लेकर 85 तक आ रहे हैं तो आप सेफ हैं। इतना ही कट ऑफ जाएगा दोस्तों। एक चीज़ बताओ कि लोगों बहुत आपने देखे होंगे, रिव्यूज़ भी देखे होंगे, कोई 130 करके आ रहा है, कोई 140 करके आ रहा है। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो लोग 130 और 140 का करके आ रहे हैं कहीं ना कहीं वो लोग, उन लोग का नंबर समझ लीजिए कि वो लोग का निगेटिव बहुत जाने वाला है। क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों, यही आपका कट ऑफ जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपका पेपर जो है ट्रिकी आया था, ध्यान रखना। ट्रिकी मतलब क्या है कि आपका पेपर लगता तो बहुत है कि आसान आया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपको गलत भी करा सकता है। तो जिन्होंने जिन्होंने दोस्तों 130 से लेकर समझ लीजिए 130 से लेकर 140 अटेम्प्ट किया है, तो आप इन अफवाह से दूर रहें। अगर आप 110 से लेकर 125 तक करके आ रहे हैं, ठीक है, इतना बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा स्कोर है 125। 110 में भी आपका अगर एक्यूरेसी अच्छा है तो आप स्कोर कर सकते हैं। 95 से लेकर 100 तक ही फाइनल आपका कट ऑफ जाने वाला है, ठीक है। फाइनल मतलब सिलेक्शन होने तक, क्योंकि इसके बाद आपका सिलेक्शन है डायरेक्ट मेडिकल के बाद, डायरेक्ट आपका इसका सिलेक्शन है, आप जूनियर इंजीनियर डायरेक्ट बन गए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बेसिक बिल्कुल करके आना है, ठीक है। तो दोस्तों ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको दी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।